नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, आपने तो कहा था मेरे पापा मर गए हैं, फिर वो वृद्धा आश्रम में कैसे। आज नवीन और सरिता की शादी हो रही है। दोनों ही अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छी खासी नौकरी भी करते हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दोनों ने कभी भी प्रेम विवाह करने के बारे में नहीं सोचा था। सरिता खुश थी और उदास भी, क्योंकि उसे अब अपना घर छोड़कर जाना था। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी आप चिंता न करना, मैं आपसे मिलने आया करूंगी। पिता की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि उनका सरिता के अलावा और कोई नहीं था। सरिता की माँ का देहांत सरिता के जन्म के कुछ दिनों बाद ही हो गया था। पिता ने दूसरी शादी के बारे में भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी सरिता के नाम कर दी थी। सरिता बेफिक्र थी, क्योंकि उसने नवीन से पिताजी के बारे में बात कर ली थी। उसने नवीन से कहा था कि शादी के बाद पिता उसके साथ ही रहेंगे, तभी वह शादी करेगी। नवीन भी बहुत समझदार था, उसने भी सरिता का साथ देने का वादा किया। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पिता ने भारी मन से सरिता को विदा किया और फूट फूट कर रोए। उन्होंने सरिता से बस इतना कहा था, जिस तरह आज तक तुमने इस घर को संभाला, उसी तरह तुम्हें उस घर को भी संभालना है। आज सरिता की अपने ससुराल में पहली सुबह थी। सभी खुश थे, सास ससुर और एक देवर जो उम्र में तो सरिता से बड़ा था पर बड़ा ही सुशील था। सरिता सुबह उठ गई थी। वह जैसे ही रसोई घर में जाने को हुई, तभी सरिता की सास ने उसे रोक दिया। एक पल के लिए सरिता सहम गई, लेकिन सास की मुस्कुराहट देखकर संभल गई। सास ने बड़े प्यार से कहा, अभी तुम्हें रसोई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में आराम करो। सरिता ने सास के पैर छुए और उनसे कहा, माँ जी मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ, अब आप आराम करें, मैं अभी सभी के लिए नाश्ता बना देती हूँ। सास ने सरिता का माथा चूमा और वहाँ से चली गई। सरिता ने चाय बनाई और सभी को दी। सभी ने चाय की खूब तारीफ की। नवीन शादी के दूसरे दिन ही काम भर जाने को तैयार हो गया और उसने सरिता से भी कहा, तुम्हें घर के काम के पीछे अपनी नौकरी को नहीं भूलना चाहिए। सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही एक महीने की छुट्टी ले ली थी। नवीन ने कहा, नहीं तुम कल से ही अपने काम पर चले जाना, और हाँ सुबह जल्दी उठ जाया करना ताकि तुम घर का सारा काम निपटा सको। सरिता को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए पतिदेव को विदा किया। सरिता का पूरा दिन हंसी खुशी से बीत गया। जैसे ही नवीन के घर आने का समय हुआ, अचानक घर में सन्नाटा छा गया। सरिता को कुछ समझ नहीं आया। उसने नवीन का स्वागत बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए किया, लेकिन नवीन ने सरिता को एक नज़र तक नहीं देखा। सरिता को फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा शायद काम की थकावट होगी। उसने नवीन को चाय नाश्ता दिया और उससे बातें करने लगी। नवीन फोन में लगा था। सरिता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। नवीन ने कहा, सरिता मुझे ज़रूरी काम करना है, तुम थोड़ा चुप रह सकती हो। सरिता चुपचाप रसोई में चली गई। ऐसे ही शादी के 6 महीने बीत गए। सरिता भी अपनी नौकरी पर जाने लगी। उसने घर और नौकरी दोनों को अच्छी तरह संभाल लिया था। कभी कभी नवीन उसे अजनबी सा लगता था। इन 6 महीनों में उसने कई बार अपने पिताजी के बारे में नवीन से कहा कि पिताजी को ले आते हैं। उसने याद दिलाया कि तुमने मुझसे वादा किया था। नवीन सरिता को गले लगाता और कहता, कुछ दिनों में मेरी तरक्की होने वाली है, अभी हम इतने लोगों का खर्चा नहीं उठा सकते। सरिता चुप रह जाती, मन महसूस कर रह जाती। वह रोज़ अपने पिता से बातें करती और हफ्ते में मिलने जाती। ऐसे ही साल भर बीत गया, लेकिन अभी भी नवीन मान नहीं रहा था। उसने सरिता से कहा, हम लोग अगले महीने सभी मिलकर महाबलेश्वर जाएंगे और आते समय उन्हें भी अपने साथ ही ले आएंगे। सरिता ने खुश होकर नवीन को गले से लगा लिया। इसी दिन से नवीन के बर्ताव में काफ़ी परिवर्तन आया। अब वह सरिता से बहुत प्यार से बातें करता, उसकी बातें सुनता था। सरिता भी बहुत खुश होती, जैसे उसका सपना पूरा हो गया। वह सपने देखने लगे कि अब वह हमेशा साथ रहेंगे। नवीन भी पिताजी की परवाह करता दिखता, उनके लिए अलग कमरे की व्यवस्था कर दी थी। वो भी दिन आ गया, सभी महाबलेश्वर के लिए निकले। उन्होंने ट्रेन से सफ़र करने का तय किया। अगले दिन सुबह 10 बजे वाथर रेलवे स्टेशन पहुँचे। ये महाबलेश्वर से 60 किलोमीटर दूरी पर है, जो महाबलेश्वर से सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन है। उन लोगों ने वहाँ से कार ले लिया और महाबलेश्वर के लिए निकल पड़े।
सभी बहुत खुश थे। 3 घंटे में वे लोग महाबलेश्वर पहुंच गए। उन लोगों ने मेघ मधुर होटल में रुकना तय किया क्योंकि ये बजट के अंदर था। सभी बहुत थक चुके थे, उन्होंने कल से घूमना तय किया। सभी आराम करने लगे। सरिता के पिता भी बहुत खुश थे क्योंकि वे अपने बेटी के साथ थे। सरिता भी बहुत खुश थी, वह फूले नहीं समा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नवीन इतने अच्छे हैं जो सभी को घुमाने ले आए हैं। उसके मन में जो भी शंका थी वो पूरी तरह से मिट चुकी थी। अगले दिन सभी ने नाश्ता किया और घूमने निकल पड़े। सबसे पहले वे छोटी मोटी जगहों को देखने निकले। इसे देखने के लिए इन्हें 2 दिनों का समय लगा। अब इन्हें प्रतापगढ़ किला देखना था जो समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले में शिव जी का मंदिर भी स्थित है। सभी सुबह तैयार होकर निकल पड़े। बड़े भी साथ थे इसलिए मस्ती कुछ कम हो रही थी, पर सरिता कैसे न कैसे करने मस्ती कर ही लेती थी। सभी ने कई फोटो खिंचवाए। दोपहर तक ये सभी प्रतापगढ़ किला पहुंचे। वहां उन्होंने शिव जी के दर्शन किए और एक अच्छी जगह देखकर आराम करने लगे। नवीन ने कहा, मैं अभी आता हूँ, कहकर वहां से चला गया। सभी बैठकर बातें करने लगे। नवीन का छोटा भाई अपनी फोटो खींचने में व्यस्त हो गया। नवीन के पिताजी, माताजी, सरिता और उसके पिताजी आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें बातें करते हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका था। अचानक नवीन की मम्मी को याद आया कि अभी नवीन वापस नहीं आया है। सरिता ने कहा, मम्मी वो आ जाएंगे, आप चिंता न करें। अब तक तो सरिता को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन माँ के पूछने पर अब उसे भी चिंता होने लगी थी। उसने नवीन के भाई से कहा। नवीन के भाई ने नवीन को फ़ोन लगाया, लेकिन नवीन का फ़ोन नहीं लग रहा था। अब इनकी बेचैनी बढ़ने लगी। फिर भी उसने अपनी बेचैनी जाहिर नहीं होने दी। धीरे से अपने पिताजी को बताया कि हम नवीन को ढूंढने जा रहे हैं। पिताजी घबरा गए। सरिता ने कहा, आप न घबराइए, मैं और सूरज दोनों देखने जा रहे हैं। पहाड़ी इलाका है, कभी कभी फ़ोन नहीं लगता है, हम जल्दी लौट आएंगे। सरिता ने कहा, पर पिताजी की घबराहट कहाँ कम होने वाली थी, वे वहीं इधर उधर चक्कर काटने लगे। ये देख नवीन के पिता ने कहा, समधी जी, आप क्यों इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, क्या कोई परेशानी है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं नहीं समधी जी, कोई परेशानी नहीं है, बस खाना थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसलिए टहल रहा हूँ, काफ़ी देर हो गई। सरिता और सूरज भी अभी तक नहीं लौटे। अब नवीन के माता पिता भी घबराने लगे। उन्होंने सरिता के पिता से पूछा, क्या बात है कि ये तीनों अभी तक नहीं लौटे, चलिए हम लोग भी उन्हें ढूंढते हैं, कब तक क्यों ही बैठे रहेंगे? सरिता के पिता ने कहा, आप उत्तर की ओर जाएं, मैं पश्चिम की ओर जाता हूँ। ये लोग भी ढूंढने चले गए। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। लगभग 1 घंटे के बाद सभी उसी जगह पर पहुँच गए, लेकिन सरिता के पापा का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे थे क्योंकि अब तक वह नवीन को लेकर परेशान थी, लेकिन अब उसके पिता का भी कुछ कहीं पता नहीं चल रहा है। अब सभी उन्हें ढूंढने निकल पड़े। सरिता पापा पापा कहती और रोती जाती। अब उनके पास समय नहीं था क्योंकि अंधेरा ज़्यादा गहरा गया था, वहाँ के स्थानीय लोग भी जा चुके थे। नवीन ने सरिता से कहा, सरिता चलो चलते हैं, हम कल आकर उन्हें ढूंढ लेंगे। पर सरिता कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, मैं पापा को लिए बगैर कहीं नहीं जाने वाली। नवीन ने कहा, अभी यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं, हम कल सुबह आकर उन्हें ढूंढ लेंगे। अब अंधेरा हो चुका था, चारों ओर कालिमा छाई थी। वे वहाँ से चले गए। अगली सुबह सुबह सरिता अकेली वहाँ पहुँच गई। वह रात भर नहीं सो पाई थी। उसने कई आवाज़ें लगाई, खाई की ओर भी गई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। अब तक वहाँ पुलिस भी पहुँच चुकी थी, नवीन भी आ चुका था। उसने सरिता को गले लगाया और सांत्वना देने लगा कि पिताजी जल्दी ही मिल जाएंगे। सरिता नवीन के कंधों पर सिर रखकर रोने लगी। दोनों पूरा दिन वहीं बैठे रहे, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। आखिरकार उस दिन भी कुछ पता नहीं चल सका। नवीन ने सूरज से कहा कि वो मम्मी और पापा को वापस लेकर चले जाए, वो बाद में आ जाएंगे। सूरज चला गया। सरिता ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने पिताजी को कैसे ढूंढे। 5 दिन बीत चुके थे, अब तक सरिता के पापा का कुछ पता नहीं चल सका। अब नवीन ने वापस जाने का तय किया। उसने पुलिस से बातें की और कहा, यदि कुछ पता चलता है तो तुरंत उसकी खबर उसे दी जाए। सरिता बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, पर और कोई रास्ता नहीं था। वे दोनों भी वापस चले गए। अब सरिता की ज़िंदगी बदल चुकी थी। हमेशा खुश रहने वाली सरिता अब गुमसुम रहने लगी थी।
वह रोज एक बार जरूर महाबलेश्वर पुलिस को फोन कर पूछती, पर कुछ खबर नहीं मिलती। नवीन ने सरिता से फिर से काम पर जाने के लिए कहा, जिससे कि उसका ध्यान बटे। सरिता ने भी सही समझा। अब धीरे धीरे सरिता की जिंदगी सामान्य हो रही थी, लेकिन जब भी पिता की याद आती वो रो पड़ती। ऐसे ही दिन बीतते गए। लगभग इस घटना को हुए 2 साल बीत चुके थे। सरिता ने एक बेटे को जन्म दिया था जो बहुत सुंदर था। सरिता अपने गम को बच्चे के प्यार में भुला रही थी। एक दिन नवीन ने सरिता से कहा, उसे अमेरिका जाना है, उसके लिए 10 लाख रुपयों की ज़रूरत है। वह अपने पिता का घर बेच दे जिससे पैसों का इंतज़ाम हो सके। सरिता ने साफ मना कर दिया कि वह घर पिता की आखिरी निशानी है। नवीन ने नाराज़गी जताई। कई दिनों तक उसने सरिता से सीधे मुँह बात तक नहीं की। आखिर हार कर सरिता मान गई। एक सुबह सरिता घर के कामों में व्यस्त थी, इतने में फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया पर सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने फ़ोन रख दिया। अब यह सिलसिला मानो चल पड़ा। रोज़ दिन में एक बार ऐसा फ़ोन ज़रूर आता जिससे कि कोई जवाब नहीं देता। उसने नवीन को इसके बारे में बताया, लेकिन नवीन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी रोज़ एक बार फ़ोन आता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे कहे। उसने सूरज को बताया। सूरज ने कहा, वह पता लगा लेगा कि एक नंबर कहाँ का है। नवीन को अगले दिन किसी काम से हफ्ते भर के लिए दिल्ली जाना पड़ा। सूरज ने पता लगाया, जिस नंबर से फ़ोन आ रहा है वो महाबलेश्वर के किसी वृद्धा आश्रम का है। ये सुनते ही फिर एक बार सरिता के मन में उम्मीद जागी। उसने तुरंत नवीन को फ़ोन किया और बता दिया कि महाबलेश्वर से फ़ोन आया है। नवीन ने कहा, कोई तुम्हें परेशान कर रहा होगा। इतना कहकर नवीन ने फ़ोन काट दिया। अब सरिता कहाँ रुकने वाली थी। उसने सूरज से कहा, उसे आज ही महाबलेश्वर जाना है। सूरज ने प्लेन की टिकट बुक करा दी। फ्लाइट दोपहर की थी। उनके पास 1 घंटा था। सरिता ने बेटे आरव को गोद में उठाया और सास ससुर के चरण स्पर्श किए और एक उम्मीद लेकर निकल पड़ी। अब उसकी आंखों में चमक थी। शाम 5 बजे तक दोनों महाबलेश्वर पहुँच गए। आश्रम पहुँचते पहुँचते उन्हें 8 बज गए। वहाँ उन्होंने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि सरिता के पापा जीवित हैं और बहुत गंभीर हालत में उन्हें यहाँ लाया गया था। सरिता ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने सरिता को बताया कि उनसे मिलने कोई आया था, वे अभी कुछ देर पहले ही निकले हैं। सरिता को उन्होंने बताया कि वे जब से यहाँ थे बस तुम्हारा ही नाम लेते थे। इतने में वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। उसने सरिता को पहचान लिया। उसने सरिता से कहा, तुम सरिता हो ना। सरिता ने मुस्कुरा कर हामी भरी। उस अनजाने व्यक्ति ने सारी कहानी बताई। उसने बताया कि तुम्हारे पिता पर क्या क्या बीती है। ये सुनते ही मानो सरिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तुरंत नवीन का फोटो दिखाया। क्या मेरे पिताजी इसी आदमी के साथ गए हैं। उस दूसरे आदमी ने हाँ कहा। ये सुनते ही सरिता और सूरज घबरा गए। दोनों ने तुरंत पुलिस को इनकी खबर दी। पुलिस हरकत में आ गई और उन्होंने CCTV की मदद से नवीन और सरिता के पिता का पता लगा लिया। वे 10 मिनट में वहां पहुंच गए। सरिता अपने पापा के गले लगकर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। पिता भी बेटी को सामने देखकर फूट फूट कर रो पड़े। सरिता ने खुद को संभाला और नवीन के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया। उसने रोते रोते कहा, आखिर क्यों नवीन, तुमने ऐसा क्यों किया। इतनी बड़ी साजिश तुमने रची, आखिर क्यों। मेरे पिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। नवीन ने चिल्ला कर कहा, पैसों के लिए, मुझे अमेरिका जाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मैंने तुम्हारे पिता से कई बार पूछा लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तुम बार बार उन्हें अपने साथ रखने के लिए जोर दे रही थी। मुझे जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत पैसे कमाने हैं। सरिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने पिता से कहा, आपने मुझसे एक बार भी क्यों नहीं कहा। पिताजी ने कहा, अगर मैं तुमसे ये सब कहता तो तुम्हारा घर टूट जाता। एक बाप होने के खातिर मैं तुम्हारा घर कैसे टूटने दे सकता हूँ। सरिता ने कहा, पापा ये आदमी पैसों का भूखा है, ये किसी का नहीं हो सकता। समय आने पर ये हम सबको मार सकता है। सरिता के पापा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटी। सरिता ने नवीन से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि पापा जिंदा हैं। तुम तो दिल्ली गए थे, या तुम्हें पहले से ही पता था कि पापा जिंदा हैं। नवीन को यह पता चल चुका था कि अब पापा उसका सारा भांडा फोड़ देंगे, इसलिए उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने सरिता से कहा कि पापा को वृद्धाश्रम तक पहुँचाने की सारी साजिश मेरी थी।
मैं अमेरिका जाना चाहता था। 2 साल पहले ही मैंने पापा से प्रॉपर्टी बेचकर मुझे पैसे देने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मैं यह जानता था कि तुम पापा के जीते जी यह प्रॉपर्टी नहीं बेचने दोगी। इसलिए मैंने इन्हें गायब करने का प्लान बनाया और इनके गुम होने तक मेरा प्लान काफ़ी हद तक सफल भी रहा, लेकिन यह बच गए और पता नहीं कैसे वृद्धाश्रम पहुंच गए। जब महाबलेश्वर के वृद्धाश्रम से फोन आने की बात तुमने कही तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात पर शक हुआ, क्योंकि पापा की लाश अभी तक मिली नहीं थी और जब मैं यहाँ आया तो यह मुझे मिल गए। सरिता ने कहा, तुम जैसा इंसान मेरा जीवन साथी है यह सोचकर ही मुझे शर्म आ रही है। मैंने अपने पिता के बारे में तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था, फिर भी तुमने प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। नवीन को पुलिस पकड़ कर ले गई। सरिता और सरिता के पापा और सूरज घर वापस आ गए। सरिता ने बहुत हिम्मत करके नवीन की सच्चाई उसके माता पिता को बता दी। माँ ने कहा, हमें उससे यही उम्मीद थी, लेकिन वह इतना गिर जाएगा हमें मालूम न था। सरिता आश्चर्य से देखने लगी। फिर माँ ने बताया कि नवीन शुरू से ही लालची स्वभाव का था, लेकिन हम इसे छोटी बात समझकर नज़रअंदाज करते रहे कि वह समय रहते सुधर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसका पैसों के प्रति लालच और बढ़ता गया। हमें माफ़ कर दो बेटी, हमने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। सरिता सासू माँ को गले लगा कर रोने लगी। सरिता ने अपनी सास से इजाज़त मांगी कि अब वो इस घर में नहीं रह सकती, वो अपने पिता के साथ जाना चाहती है। सरिता की सास ने कहा, तुम अकेले अपने बेटे की परवरिश नहीं कर पाओगी, तुम यहीं रहो, नहीं तो हम समझेंगे तुमने हमें माफ़ नहीं किया। सरिता मान गई। इस घटना को लगभग 5 साल बीत गए। बेटा आरव भी स्कूल जाने लगा था। सूरज बिल्कुल एक पिता की तरह उसकी देखभाल करता। आरव भी सूरज को पापा कहकर ही पुकारता। एक दिन सरिता की सास ने सरिता को अपने पास बिठाया और उससे सूरज से शादी के बारे में पूछा। सरिता ने मना कर दिया। उसने कहा, सूरज की अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार है और मुझे शादी पर अब विश्वास नहीं है, मैं अकेले ही आरव की देखभाल कर सकती हूँ। सूरज ने आगे बढ़कर सरिता का हाथ थामा और शादी के लिए पूछा। दूसरी तरफ सरिता के पापा ने भी इसके लिए कहा, क्यों एक गलत आदमी के लिए तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करोगी। अब सरिता कुछ नहीं बोल पाई और सिर हिलाकर हामी भर दी। बहुत सादगी से सूरज और सरिता की शादी की गई और दोनों के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की गई। नवीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आपको सरिता का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।